जरा सोचो, अगर तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह से चली जाए और तुम्हारे करीब आते ही लोग अचानक से मरने लगें। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से जहाँ जोरदार बिजली कड़क रही थी। अचानक एक आदमी बीच जंगल में उठा। वो जख्मी था और उसका सर चकरा रहा था। उसे अचानक एक झलक दिखाई दी जिसमें उसकी कार क्रैश होने वाली है। उसे लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन तभी उसने अपने पीछे एक कार देखी जिससे उसे एहसास हुआ कि ये सब असलियत में हो चुका है। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। बिना सोचे उसने अगले शहर की तरफ चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक कार को देख कर उसने मदद मांगनी चाही, लेकिन वो अचानक इधर उधर हिलने लगी और साइड में आकर रुक गई। उसने पास जाकर देखा कि कार में बैठी औरत तो मर चुकी थी। उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई थी, जैसे किसी बीमारी की वजह से मरी हो। जब उसने लड़की का फोन लेकर पुलिस को कॉल किया तो पुलिस वाले उससे उसका नाम और लोकेशन पूछने लगे। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसे अपने बारे में एक भी चीज याद नहीं। वो ये तक नहीं जानता था कि इस दुनिया में उसका कोई है भी या नहीं। उसने फोन काट कर जेब से अपना वॉलेट निकाला। उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा था कि उसका कोई नाम है ही नहीं। इस बात से वो और भी परेशान हो गया। इससे पहले कि वो कुछ सोचता, एक मरा हुआ कौवा आसमान से सीधा कार पर गिरा। उसकी आंखें भी औरत की तरह सफेद हो चुकी थी। वो आदमी सब नजरअंदाज करके पास के शहर की ओर भागने लगा। आखिरकार वो एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, लेकिन वहां भी सब के सब मर चुके थे। वो बेहद घबरा गया। उसे लगा कि कोई बहुत ही खतरनाक वायरस फैल गया है जिसकी वजह से सिर्फ इंसान ही नहीं पक्षी भी मर रहे हैं। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे एक ट्रक ड्राइवर भी मरा हुआ मिला। उसने तेजी से अपना नाक ढका और शहर का नक्शा ढूंढने लगा। नक्शा मिल जाने के बाद वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे एड्रेस की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक घर तक पहुंचा जो शायद उसी का था। पहले उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो वो यूं ही अंदर घुस गया। वो फोन के वॉइसमेल में अपनी ही आवाज सुनकर पहचान गया कि ये उसी का घर है। वॉइसमेल से उसे ये भी पता चल गया कि उसका नाम लियम है। जिन लोगों को उसने अपनी आंखों से मरते हुए देखा था, उनकी खबर टीवी पर दिखाई जा रही थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये कोई जानलेवा वायरस है। उन्होंने लोगों से कहा कि सब अपने घर के अंदर ही रहें। तभी लियम ने पास के खेत में एक किसान को देखा। उसने उसे घर जाने का इशारा किया, लेकिन वो कुछ समझा नहीं और लियम की तरफ बढ़ा। पर लियम के करीब आते ही उसकी भी आंखें सफेद हो गई और वो एक ही पल में मर गया। उसे न्यूज देखकर समझ आया कि सभी मौतें आसपास के ही इलाकों में हो रही थी, इसलिए ये वायरस तो नहीं हो सकता। और तो और, हर एक मौत लियम के इर्द गिर्द ही हुई थी। तभी उसने बाहर एक कौवे की आवाज सुनी। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, वो भी सबकी तरह मरकर नीचे गिर पड़ा। उसे शक होने लगा कि कहीं सबकी मौत का जिम्मेदार वो ही तो नहीं, क्योंकि जो भी उसके पास आता था वो मारा जाता। वो अपनी इस थ्योरी को चेक भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे और भी लोगों की जानें जा सकती हैं। पहले तो उसने पुलिस को सब सच बताने के बारे में सोचा, लेकिन क्या वो उसका यकीन करेंगे? और कर भी लिया तो ना जाने कितने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे उस पर। आखिरकार उसने खुद को खाने और पानी के साथ अपने गैराज में बंद कर लिया। शाम को पुलिस उसे ढूंढते हुए उसके घर आ पहुंची, क्योंकि उसकी कार उन्हें जंगल में मिली थी। लियम भाग कर उनसे काफी दूर छिप गया। एक ऑफिसर उसे ढूंढने ही वाली थी कि कई पक्षी एक साथ मर के नीचे आ गिरे। उन्हें लगा वायरस फिर से फैल रहा है, इसलिए सब जल्दी से वहां से निकल गए। रात को लियम को फिर से कार क्रैश का सपना आया। उसने अचानक उठकर देखा कि एक लड़की उसके गैराज के पास आ गई थी। लियम ने कई बार उसे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन वो आगे बढ़ती ही रही। जब उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया कि वो लड़की अभी भी जिंदा खड़ी थी। वो सुबह एक हॉस्पिटल में उठी और तब से उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता। स्टाफ ने उसे बताया कि वो एक कार क्रैश में घायल हो गई थी और वो गाड़ी जिसमें ये एक्सीडेंट हुआ वो लियम की थी, इसलिए वो अब लियम से अपने बारे में और जानकारी लेने आई है। तभी एक पिल्ला लियम के एकदम करीब आ गया, लेकिन उसे भी कुछ नहीं हुआ। इससे लियम को लगने लगा कि शायद ये मौतें उसकी वजह से नहीं हो रही। तो उसने जेन को अपनी इस थ्योरी के बारे में कुछ नहीं बताया और वो दोनों घर के अंदर चले गए। उन्होंने चेक किया कि कहीं वो दोनों इकट्ठे तो नहीं रहते, लेकिन अलमारी में सिर्फ लियम के ही कपड़े थे। तभी लियम को उसकी परछाई देखकर याद आया कि एक्सीडेंट के दिन वो भी उसके साथ कार में ही थी। उसने तुरंत एक नक्शा निकाला जिसमें कार क्रैश की जगह के पास एक ब्रिज भी था। उन्होंने वहां जाकर पता लगाने का फैसला किया। अगली सुबह दोनों ब्रिज पर पहुंचे, लेकिन किसी को भी कुछ भी याद नहीं था। तभी जेन को एक और झलक याद आई। एक रात वो ब्रिज पर खड़ी एक खाली कागज को देख रही थी। उसने कागज पानी में फेंक दिया और लियम भी उस वक्त उसके साथ ही था, लेकिन अब भी कुछ साफ नहीं था कि ये सब हुआ कैसे। उन्होंने सोचा शायद क्रैश की जगह पर जाकर उन्हें और चीजें याद आ जाएं। क्रैश की जगह पर एक बहुत बड़ा काला गोला बना हुआ था। उसे देखते ही उन्हें उस रात की और चीजें भी याद आने लगी। एक्सीडेंट के बाद वो दोनों गोले के आमने सामने खड़े थे। लियम ने हिसाब लगाया कि जितना एरिया इस सर्कल का है
लगभग उसके इतनी ही पास आने से लोगों की मौत हो जाती है। उसने जेन को सारी बात बताई। जेन ये सब सुनकर बहुत घबरा गई और अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगी। लियम भी उसका पीछा करने लगता है। तभी एक कार उनके सामने आ रुकी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थी। उसने लियम को पहचान लिया था क्योंकि उसकी कार जंगल में मिलने के बाद से पुलिस उसे ढूंढ रही थी। पूछताछ के दौरान जेन मौका देखकर उनसे दूर जाने लगी। वो थोड़ी ही दूर गई थी कि पुलिस वाली अचानक मर के जमीन पर गिर पड़ी। अब ये साफ हो चुका था कि लियम के श्राप का तोड़ जेन ही थी। जब वो लियम के पास रहती तो किसी की मौत नहीं होती थी, और जैसे ही वो दूर जाती लोग मरने लगते थे। जेन को यकीन दिलाने के लिए लियम उसे एक बकरी के पास लाया। उसने जेन को धीरे धीरे उससे दूर जाने के लिए कहा। जेन के गोले से बाहर जाते ही बकरी अचानक मर गई। अब उसे भी यकीन हो गया कि लियम सच कह रहा था। इसके बाद वो दोनों एक हॉस्पिटल में MRI स्कैन कराने गए। उन्हें लगा कि रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि ये मौतें क्यों हो रही हैं। इस दौरान वो हमेशा एक दूसरे के पास ही रहते कि कहीं डॉक्टर ही टपक ना पड़े, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स तो एकदम नॉर्मल आई। तभी उन्होंने लियम का नाम न्यूज पर देखा। पुलिस को उस किसान और पुलिस वाली की लाश मिल चुकी थी और उनका शक लियम पर ही था। लियम और जेन जानते थे कि अगर वो पकड़ा गया तो और लोगों की जाने जाएंगी, लेकिन पुलिस तो पहले ही हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। वो दोनों तेजी से लिफ्ट की तरफ भागे। लियम तो अंदर चला गया, लेकिन जेन का ध्यान एक गुमशुदा इंसान के पोस्टर पर पड़ गया। तभी उसे याद आया कि ब्रिज पर जिस कागज को वो देख रही थी वो असल में खाली नहीं था। वो गुमशुदा की तलाश का कागज था जिस पर उसकी खुद की तस्वीर लगी हुई थी। इधर प्रेजेंट में लियम और जेन अलग हो चुके थे। लियम ने लिफ्ट में मौजूद सभी लोगों को दरवाजा खुलते ही तेजी से उससे दूर भागने को कहा। सबने वैसा ही किया और जेन भी उसी वक्त वहां पहुंच गई। खुशकिस्मती से इस बार किसी की मौत नहीं हुई। इसके बाद वो वहां से निकलकर एक सुनसान जगह पर रुके और रात भर कार में ही रहे। कार क्रैश के बुरे सपने की वजह से एक बार फिर से लियम की नींद टूटी। कुछ देर बाद जेन ने रेडियो पर न्यूज सुनी। पुलिस को पता चल चुका था कि वो भी लियम के साथ है। उसका पति सैम उसे घर वापस लौट आने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जेन हैरान रह गई क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो शादीशुदा है। वो दोनों सैम से मिलने गए और उससे मदद मांगी। पहले तो उसे उन दोनों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लियम ने कुछ पक्षियों को मारकर दिखाया तो सैम के पास उन पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो तीनों उसके ऑफिस में जाकर छुप गए। वहीं लियम को एक गुमशुदा लड़की का पोस्टर मिला जिस पर जेन की ही तस्वीर थी, लेकिन नाम किसी और लड़की का। फिर सैम ने उन्हें बताया कि जेन का असली नाम रोज है और वो तस्वीर उसकी जुड़वा बहन लिली की थी। वो कुछ महीने पहले गुम हो गई थी और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आई। उसके खो जाने के बाद जेन भी डिप्रेशन में चली गई थी। इस कहानी से जेन की याददाश्त के बिखरे हिस्से जुड़ने लगे। उसे याद आया कि उस रात उसने ये उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी कि वो दोबारा कभी अपनी बहन को देख पाएगी। जेन ब्रिज पर सुसाइड करने ही वाली थी कि लियम ने उसकी जान बचाई। वो दोनों कार में ब्रिज से दूर जा ही रहे थे जब उनका एक्सीडेंट हो गया। उसने गुस्से में पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। पुलिस ने आते ही लियम और जेन को अलग अलग कर दिया, जिससे सारे पुलिस ऑफिसर्स और सड़क पर सभी लोग सेकंडों में मर गए। ये सब देखकर सैम बहुत घबरा गया और उसने लियम और जेन को कहीं दूर भाग जाने को कहा। उसने वादा किया कि वो यहाँ सब संभाल लेगा। अब तक लियम को भी आइडिया लग चुका था कि वो एक्सीडेंट से पहले कहाँ जा रहे थे। दोनों एक गैस स्टेशन पर रुके, जहाँ उन्होंने टीवी पर देखा कि एक्सीडेंट की रात को ब्रह्मांड की एक अनजान शक्ति उसी जगह टकराई थी। उन दोनों ने हिसाब लगाया कि इन अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे जरूर यही कारण होगा। इसके बाद वो दोनों लियम के कैबिन में पहुंचे, जो एक तालाब के पास था। लियम ने कहा कि इस कैबिन के दूर दूर तक कोई नहीं रहता, इसलिए वो बिना किसी की मौत का जिम्मेदार बने यहाँ अकेला रह सकता है। वो पास के तालाब में जाकर एक बोट में बैठ गया। उधर जेन को उसके कैबिन में एक डायरी मिली। उसके अंदर कई गुमशुदा लड़कियों के पोस्टर्स के साथ साथ उनकी डिटेल्स लिखी हुई थी। जेन ने देखा कि आखिरी पन्ने पर उसकी बहन लिली की तस्वीर थी और अगले पन्ने पर खुद उसका नाम लिखा हुआ था। तभी ये खुलासा हुआ कि लियम असल में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को किडनैप करके मार डालता। लियम को भी बोट पर अपना बीता हुआ कल याद आ चुका था। उसे सच का एहसास हो गया और याद आया कि कैसे उसने जेन की बहन लिली को मारकर इसी तालाब में फेंक दिया था। वो जेन के साथ भी ऐसा ही करने वाला था। उस रात जब वो केबिन की ओर जा रहे थे तो जेन को पता चल गया कि लियम उसे बेहोश करने वाला है। तभी उनकी हाथापाई शुरू हो गई और इसी चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया था। हालांकि दोनों बिना घायल हुए कार से बाहर आ गए थे। इसके बाद ब्रह्मांड की वो अजीब शक्ति उसी वक्त धरती से टकराई और उन दोनों के इर्द गिर्द एक शक्ति का गोला बन गया। इसके बाद क्या हुआ उन दोनों को याद नहीं था, लेकिन आखिरकार दोनों को असलियत समझ आ चुकी थी। लियम को अपने अतीत के भयानक कामों के बारे में सोचकर ही उल्टी होने लगी।
तभी किसी ने पीछे से उसके सर पर बंदूक तान दी। ये कोई और नहीं बल्कि जेन थी। उसने लियम से अपनी बहन लिली को बाहर निकालने के लिए कहा। वो उसे मारना चाहती थी लेकिन ऐसा कर नहीं पाई। वो दोनों केबिन की ओर गए जहाँ कुछ बदमाश खड़े थे। उन्हें देखते ही बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। तभी लियम जेन से थोड़ा दूर गया जिससे दो आदमी वहीं ढेर हो गए। ये देखकर वो आखिरी आदमी घबरा गया और उसने जेन पर गोली चला दी। वो भी थोड़ी देर बाद मर गया, लेकिन इस सब में जेन काफी जख्मी हो गई। लियम जल्दी से उसे हॉस्पिटल में ले आया और डॉक्टर्स उसका इलाज करने उसे अंदर ले गए। याददाश्त वापस आ जाने के बाद उसे अपने आप से घिन आ रही थी। वो अपने घिनौने अपराधों के लिए बेहद शर्मिंदा था। आखिरकार उसने और लोगों को मरने से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो अगर आपको अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करने का मौका मिले तो आप अपनी लाइफ में क्या बदलना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताना।